हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो रेडिश इन पॉट। हम मूली को सीड्स के द्वारा पॉट के अंदर उगा कर आज देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी सॉइल को तैयार करते हैं। ये मैंने ग्रो बैग लिया है और ग्रो बैग में ये गर्भ की सहायता से मैं इसको, इसकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट कर रहा हूँ। पहले इसमें भिंडी लगी हुई थी। हमें मूली के लिए बहुत ही सॉफ्ट सॉइल की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप सैंड या बजरी के अंदर कंपोस्ट मिला के मूली उगा सकते हैं। अब हम थोड़े एग सेल्स के जो टुकड़े हैं वो डालेंगे। इसमें पहले भिंडी उगी हुई थी, अब मैंने इसको भिंडी इसमें से उखाड़ दी है, तो जो इसकी जो सॉइल है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है, इसलिए हम इसमें एग सेल्स और केले के जो छिलके हैं, बनाना पील, वो हम डाल रहे हैं। आप मिक्सी में भी इसको घुमा सकते हैं। अगर हम मिक्सी में नहीं घुमाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। गर्भ हुक की सहायता से आप इसे मिक्स कर लें। मिट्टी को आपको एकदम बराबर कर लेनी है, ज़्यादा दबाना नहीं है। मूली के सीड्स इस टाइप के होते हैं। जो ये रेड कलर आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में केमिकल होता है जो कंपनी लगाती है सीड्स के ऊपर, ताकि इसके ऊपर फंगस ना लगे। अब हम एक एक सीड को दो दो इंच की दूरी पर लगाएंगे। दो दो इंच की दूरी इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि मूली को ज़्यादा उगने में दिक्कत ना हो। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आधा इंच से भी कम गहराई में इसको लगाया है और मैंने ये दो दो सीड्स रखे हैं, ताकि एक सीड जर्मिनेट ना हो तो दूसरा जर्मिनेट हो जाए। अब हम इसकी ऊपरी लेयर है जो वर्मी कंपोस्ट की कर देंगे। Thank you.
स्टेप्स आपको इसकी लेयर करनी है। वर्मी कंपोस्ट की लेयर हमने इसलिए की है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन में गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सीड्स जल्दी जर्मिनेट होंगे। और अब हम इसमें पानी देंगे। पहली बार में अच्छे से पानी देना है। पानी देने के बाद अब हम इसकी टैगिंग करेंगे। आज 2 नवंबर है तो देखते हैं ये कब तक जर्मिनेट होते हैं। इसकी अपडेट वीडियो जल्दी मैं लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइफ में हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।